अपना पैर ऊपर करो, जल्दी कहा ना, जल्दी से। हाँ अब नीचे कर लो, ठीक है। अब फिर से ऊपर कर लो। अब नीचे कर लो। ये लोग गेम में इतना घुस चुके हैं कि अब मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। रेमजी, निकाटी के सिर को अपने पैर से धक्का मारो। चलो चलो चलो, ठीक है अब हटा लो। देखो तो इनको, ये लोग गेम में इतना डूबे हैं, ऐसा भी क्या है इसमें, बस हर वक्त शोर शराबा, इसमें ऐसा घुस जाएंगे जैसे देश बचा रहे हूँ। ये तो खत्म हो गया, अब अगला क्या है? उन लोगों से बदला लेना है जो ताकत मिलते ही पहलवानों की दुनिया से भाग खड़े हुए। हो जाए फिर। लो अब तुम एक भी पहलवान को नहीं छोड़ोगे। सफाई करते वक्त चोट लग गई। निकाटी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ बनाने का मन कर रहा था। मैं तो ऐसी नहीं दिखती। कैसा लगा, बिल्कुल हूबहू है या नहीं? ओह, इससे याद आया, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, पर अभी तक मैंने साफ सफाई पूरी नहीं की, पता नहीं कैसे होगा सब। अब तुम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, बाय बाय। अरे बाबा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज कौन सा दिन है। हाँ, मुझे भी आज से ही जिम शुरू करना था, मैं तो चला। लो अब करवा लो काम। कितनी आसानी से काम से बचे, आज करे सो कल, कल करे सो परसो। पापा, हम ही रह गए। डार्लिंग, सफाई का काम छोड़ के हमें बताओ क्या करना है। मुझे नफरत है, मुझे घर के काम से नफरत है, मुझे पर्दे लगाने से नफरत है, और प्रेस करने से तो सख्त नफरत, और मुझे झाड़ू बाल्टी और कपड़ों से सख्त नफरत है। हे भगवान, काश सभी झाड़ू और गंदे कपड़े इस दुनिया से गायब हो जाएं और कुछ काम ही न बचे। बाप रे। हे भगवान, लगता है बारिश होगी, अंदर चलो। अरे ये तो बंद हो गया। अरे ओ, दरवाजा खोलो, कोई है जो सुन सकता है? एक सेकंड, आइडिया, आइए खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं, इससे उनका ध्यान हम पर पड़ेगा। हाँ सही है, हटो बेटे। पापा रुकिए, वो बहुत भारी है। अरे कहाँ हूँ मैं, बस मुझे याद है मेरा सर बजा था, बाकी कुछ याद नहीं। ये लोग कौन है? अरे सुनो सुनो, देखो वहाँ कोई है, उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। हे यहाँ देखो, इधर देखो, इनको छोड़ो, पकड़ो, पकड़ो। नहीं हम नहीं है, आयुषपत नहीं है। ओ भागो बेटा, जल्दी से भागो, भागो भागो भागो, निकालो इन्हें। अब हम सीधे महल जाएंगे, उस्ताद ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या, गाड़ी रोको। ये क्या है, कुछ ढेर सा लगा है। ओ आज का तो दिन बन गया, इतने सारे मस्त मस्त केले एक साथ। अरे वाह, इतने सारे केले, आज तो दिन ही बन गया, कूद पड़ो। जल्दी भागो, चलो। शदत, कैसा खेला है ये? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हम लोगों को उल्लू बना दिया। हा? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हमें उल्लू बनाया, बंदरों को उल्लू बनाया। अरे ओ तंजू, जरा भोंकू दबाओ। क्या बात, चलो उनसे पीछा तो छूटा हमारा। चलो भगवान का शुक्र है। इस जगह को क्या हो गया?
मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ तुम्हारे गायब होने से शुरू हुआ साकिर। सभी झाड़ू, गंदे कपड़े और साबुन गायब हो गए, और देखो तुम्हारी वजह से इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। वैसे हम कितने दिनों से गायब हैं? ठीक से कहूँ तो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन? और दुनिया ऐसी बन गई सिर्फ 2 दिनों में? अच्छा जरा रुको तो, हमारा घर कहाँ गया? तड़ा! है? 2 दिन हो चुके हैं, घर में पड़ा सारा खाना कैसे खत्म हो गया मुझे समझ नहीं आया। क्या घर में खाना पड़ा था? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा भी आ गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी जब से तुम लोग गायब हुए हो। अब बैठ जाओ और ये टायर खाओ। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? ये अजीब से हो गए हैं। कुछ ऊट पटांग सा खाना बना रहे हैं और इस डिश का नाम है भाप वाली प्लास्टिक। आ जाओ सब लोग, आओ बच्चों बैठ जाओ, बैठो। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। बाहर अपनी गाड़ी देख ली होगी। हे भगवान, अब क्या करें? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। तो मुझे तुम्हें रोकना है तो मैं तुम्हें एक सड़ा सा जोक सुनाता हूँ, तो सुनो। एक दिन माइकल और जॉन सड़क पर पैदल चल रहे थे और उन्हें वो वहाँ है उस तरफ। बिना गाड़ी के और कितनी दूर भागेंगे? मुझे एक मस्त आइडिया आया है। पहले कुछ अच्छा सा खा लेते हैं फिर सोचते हैं। मेरा आइडिया इससे अच्छा था, पर इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। खाना खा ले, तुम दोनों तो वाकई में भुक्कड़ निकले। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं मस्त खाने के पुजारी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस झंझट से कैसे छुटकारा पाना है। जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो और भूख लग जाएगी। वैसे मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, पर अब जब तुम इतने उतावले हो तो कोई बात नहीं। ओ सांबा, 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 ओ
मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रेमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जम करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं नहीं, मकड़ी मकड़ी। अरे रेमजी क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो? मैं वापस आ चुका, मैं घर पर हूँ, एकदम साफ, काले बंदर भी नहीं है। रेमजी पागल हो गया। हट जाओ रास्ते से, मुझे फ्लोर साफ करना है। हटो 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 हटो। आखिर घर है, कोई रेगिस्तान नहीं। पूरे घर को चमका दूंगा मैं। मम्मी लगता है पापा सना गए हैं। सब सही है, इन्हें साफ करने दो, बीच में मत पड़ो। तो हो जाए एक और बार ओ सांबा और पापा बरीटो की याद में। क्या कहा? कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एलियन हंटर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस गेम का पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। ताकिर, मम्मी इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्या तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं मम्मी, मैं एग्जाम से एक रात पहले पढ़ूंगा। एक रात पहले? एक रात पहले, एक रात पहले। हाँ एक रात पहले। तुम श्योर हो? एक रात पहले ना? हाँ मैं श्योर हूँ, एक रात पहले। तुम लगे रहो साकिर, मुझे बस पसंद है ऐसे दरवाजे को खोलना और बंद करना। आज हम बच्चों को एक सर्कस दिखाने वाले हैं। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले हो? एक रात पहले। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले हो? एक रात पहले। तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कब करने वाले हो? एग्जाम से एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम एक रात पहले। एग्जाम आज की रात, आज की रात से पढ़ूंगा। ओह फाइनली। नोटबुक, बुक, क्वेश्चन बैंक, इरेजर, शार्पनर, यस। एग्जाम के लिए सब कुछ तैयार कर लिया मैंने। हा? रुको रुको, मैं अपनी लकी पेंसिल भूल गया। मेरी लकी पेंसिल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहाँ है मेरी पेंसिल? Excuses! Reduces! तुम क्यों चिल्ला रहे हो निकाटी? जब सब चिल्लाए तो मैं भी चिल्ला लिया। मुझे पता था कि ये सब होगा। पढ़ने के अलावा तुमने सब कुछ किया, तुमने आखिरी रात तक तैयारी नहीं की। अब उस पेंसिल के लिए बहाना बनाओगे? मैं पेंसिल का बहाना बना रहा हूँ? एक्सक्यूज मी, मेरी पेंसिल कहाँ है? आपने देखा? मुझे नहीं पता बेटा, मैंने तुम्हारा रूम साफ किया और मुझे वो कहीं नहीं मिली। आप जानती हैं कि मैं अपनी लकी पेंसिल के बिना नहीं लिख पाऊंगा। तुमने क्या कचरे में देखा? मैंने सारा कचरा बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। बेटा इससे पहले कि कचरे को उठाने ट्रक आ जाए, तुम्हें अपनी पेंसिल ढूंढनी होगी। मैं भी आ रहा हूँ साकिर, ये है। मुझे कचरे वाले ट्रक पसंद है। कहाँ चला गया ये? अरे बाप रे, ये तो पुलिस का सायरन है, मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ हूँ। अरे अरे कहाँ गए तुम? अरे भागो, जल्दी भागो यहाँ से। वो भाग गए, हमें उन्हें पकड़ना होगा। हाँ शायद। ये क्या, एक मास्क? चोर ने अपना मास्क क्यों छोड़ा यहाँ पर? ये रहा कचरे का डब्बा, तुम इस बॉक्स को चेक करो निकाटी। ये क्या है? एक सोने का बार, पास। इसमें क्या क्या है? एक डायमंड की रिंग, पास। एक स्केलेटन कॉस्ट्यूम। इन सब को भूल जाओ, पेंसिल पर फोकस करो। वो यहाँ भी नहीं है, कचरे वाला ट्रक आ रहा है। मैं इसे भी ले जाने वाला हूँ। लेकिन लेकिन मैं अभी वो ढूंढ नहीं पाया हूँ। साकिर इसे देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ? ये देखो एक और है। जरा देखो तो, ये तो सिर्फ एक स्किन और बोन का बना है। अब तक का तुम्हारा सबसे अच्छा जोक था। अरे जोक पे नहीं, कचरे पे ध्यान दे बेवकूफ। ये स्किन और बोन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही पतला। क्यों, मैंने सच में वेट लूज किया है? मैंने कार्ब्स खाना बंद कर दिया है। ये तुमसे भी ज्यादा फनी है। हाँ भयंकर कॉमेडी कर दी, चल हम निकल यहाँ से। मेरी लकी पेंसिल खो गई है। तुम इस बात को अपने सर तक मत जाने दो साकिर, बल्कि अपने सर को इसके अंदर डालो, तुम अच्छे लगोगे। वो एक डब्बा ले जाना भूल गए, मेरी पेंसिल जरूर उसी में होगी, मैं जाकर उसी में चेक करता हूँ। तब तक मैं उस ग्रोसरी गाय को डराता हूँ। ग्रोसरी मैन, ग्रोसरी मैन, दुकान बंद है,
कोई बात नहीं, मैं उस नट्स बेचने वाले को डराता हूँ। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये एरकन ही है? दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? साकिर, तुम यहाँ कैसे आए? ये किसकी कार है? अबे जल्दी कार में बैठ, पुलिस आ रही है पीछे। पुलिस आ रही है? क्या हम कोई गेम खेल रहे हैं? मुझे चोर पुलिस खेलना पसंद है। आ जाओ, ये है। तुम इतने लेट क्यों हो गए? ओ, तो हम कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचते बचते आया हूँ। ये बता, पैसा कहाँ है? पैसे? वो पैसे तो सेफ हाउस में रखे हैं। सेफ हाउस? ये क्या चीज है? अब ये मत कहो कि तुम सेफ हाउस के बारे में नहीं जानते। हर चोर को इसके बारे में पता होता है। अबे पागल मत बना, कहाँ है ये सेफ हाउस? वो सेफ हाउस एक रैप प्लेस। हाँ, एक सेफ प्लेस, एक रैप प्लेस है। रैप प्लेस? हाँ, जल्दी उस रैप प्लेस तक चलो, जल्दी, पुलिस हमारे पीछे है, वो पीछे है। चलो उनके रास्ते में कुछ चीजों को फेंकते हैं। क्या कर रहा है? सीट को तोड़ दी तूने? एक चोर को हमेशा एक सीट फेंकनी चाहिए भागते वक्त। इन्होंने ये सीट क्यों फेंकी? ये पुराने मॉडल की सीट है, उन चोरों की कार बहुत पुरानी है, वो यहीं कहीं होंगे, चलो ढूंढते हैं। एक मिनट रुको, वो वहाँ क्या है? वो चोर उस कंकाल वाले मास्क के साथ है, उसने फिर से वो मास्क पहन लिया। उस डस्टबिन के पास जल्दी चलो। हाँ चलो जल्दी। वो यहाँ भी नहीं है। बहुत हुआ, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। आखिर हमने पकड़ लिया, चलो कार में बैठ, चोर कहीं गए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग गलती कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो तुमने वो बैंक में चोरी नहीं की? कैसा बैंक? मैं तो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, कल तो मेरा एग्जाम है, बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सर। एक से लेकर दस तक के प्राइम नंबर्स की गिनती करो। प्राइम नंबर, वो क्या है? समय पूरा हुआ, जवाब है 2357। हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। क्या? नहीं, मैं एक चोर नहीं हूँ। पक्का पैसे यहीं छुपाए थे ना? हाँ हाँ दोस्त, क्या तुम हमें दो स्टूल दे सकते हो? तुम क्या लोगे? अबे बेवकूफी मत कर, मुझे कुछ नहीं खाना, हम पैसे लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ, शांत हो जाओ। अब हमने चोर को पकड़ लिया है, कैसा रहेगा हम एक दो रैप्स खा ले, तुम क्या कहते हो? चलते हैं दोस्त, और मिस्टर थीव आप यहीं इंतजार कीजिए, ठीक है? हाँ, ये मुझे चोर समझ रहे हैं। अबे जल्दी खाना खत्म कर और जाकर वो पैसे लिया जो तूने छुपाए थे। ठीक है साकिर, मुझे थोड़ा हॉट पेपर चाहिए। साकिर, बहुत भूख लगी है, जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं। क्या मुझे थोड़े पेपर्स मिल सकते हैं? ओह पुलिस, क्या ये अभी भी हमारे साथ गेम खेल रही है? वो निकाटी है, निकाटी। ओ साकिर, तुमने अपना रैप कब खत्म किया? क्या तुमने पे कर दिया? सुनो निकाटी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इन्हें लगता है कि मैं। तुम चिंता मत करो साकिर, हम अभी और मजे करेंगे। तुमने तो असली पुलिस की कार ढूंढ ली है। नहीं 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 नहीं, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ओह, और लाइसेंस प्लेट का लास्ट डिजिट है 1881। इस दिन तो अतातुर्क का जन्म हुआ था, हम बहुत लकी हैं साकिर। तो क्या कहते हो, चले? बेवकूफी मत करो निकाटी, बाहर निकलो कार से, ये असली पुलिस की कार है। ये क्या हो रहा है? हेलो दोस्त, क्या किसी ने यहाँ कैश से भरा कोई बैग छोड़ा था? क्या ये एक सेफ हाउस है ना? तुम क्या कह रहे हो? दोस्त, वो हमारी कार ले गए। क्या तुमने किसी को देखा जिसने कंकाल जैसे कपड़े पहने हो? अरे भागो भाई, मर गया हो। भागता कहाँ है? रुक, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। मैं इस कैश का क्या करूँगा, कहाँ हो तुम? ओह पुलिस आ रही है, लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे क्या किया है? मुझे जाने दो साकिर। ओ सर, क्या आप ठीक हैं? कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। चलो इस कार में आ जाओ, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। आ जाओ। ये क्या, ये आदमी कौन है? एक बैग जो पैसों से भरा हुआ है, यही वो चोर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। ओ, ओ,
क्या हुआ मुझे? हमने चोर को पकड़ लिया है निगाटी। ये अब तक की बेस्ट नाइट है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को लगता है कि हम दोषी हैं। सारे यूनिट सावधान, हमारे एक टीम की कार रैप हाउस के पास से चोरी हो गई है। उन्होंने चोर को पकड़ लिया है और मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो भी यूनिट इस जगह के आसपास है वह जाके इस मामले को देखे। ओवर एंड आउट। ये क्या? क्या ये कार बोलती है? नहीं, वो एक रेडियो है। क्या तुमने सुना, वो पुलिस रैप हाउस पर है? तो मेरे पास एक आइडिया है। बैकअप टीम कहाँ तक पहुँची है? और तुम वो मास्क हटा सकते हो अब। हमने तुम्हें प्राइम नंबर सिखाए और तुमने ऐसा किया। क्या प्राइम नंबर्स? हाँ, वो रैप हाउस के सामने वेट कर रहे हैं। क्या तुम तैयार होने का टी? मैं तैयार हूँ साकिर। इसे आराम से धक्का दो, धक्का दो। वो तो हमारी कार है। अरे जरा देखो तो सही। अरे ये तो दूसरा चोर भी मिल गया। क्या हुआ हमारे साथ? मुझे नहीं पता अरकन, बस इतना पता है कि हमारे साथ बहुत ही गंदा मजाक हुआ है। हमने दोनों को पकड़ लिया और पैसे भी जब्त कर लिए। वाह क्या बात है। चलो चलो तुम भी अंदर चलो। चलो चलो चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पूरी रात बाहर बिताई है। मैं सो भी नहीं पाया हूँ, मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ। मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं साकिर, हमने आज की रात कमाल किया है। क्या इतना बुरा था? मैं अब जा रहा हूँ निकाटी, मुझे ऑल द बेस्ट कहो। ऑल द बेस्ट। और याद रखना, ब्लैक सी के किनारों पर पैरेलल्स माउंटेन्स हैं। इस वक्त मुझे इतना ही पता है। मैं थक गया हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में रिटन टेस्ट को आज हम कैंसिल करते हैं। अब हम ओरल टेस्ट लेंगे। बच्चों, ये सरप्राइजेस से भरी होती है। आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। साकिर, पहले आपका ओरल टेस्ट होगा। मैं तो गया। तो चलो शुरू करें। मुझे ये बताओ, स्किन और बोन्स का क्या मतलब होता है? इसके बारे में तुम जानते हो? मुझे नहीं पता किसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बहुत ही पतला आदमी। इसका मतलब है बहुत ही पतला। बहुत बढ़िया, अगला सवाल पूछती हूँ। ये बताओ, साल 1881 क्यों इम्पोर्टेंट है? और लाइसेंस प्लेट का लास्ट डिजिट है 1881। इस दिन तो अतातुर्क का जन्म हुआ था। हम बहुत लकी हैं साकिर। 1881 वो साल है जब अतातुर्क का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, क्या तुम 1 से 10 तक के प्राइम नंबर्स बता सकते हो? समय पूरा हुआ। जवाब है 2, 3, 5, 7। हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। 2, 3, 5, 7। वाओ, वेरी गुड। और ये आखिरी सवाल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्लैक सी माउंटेन्स कैसे हैं? पैरेलल, पैरेलल। मैडम, निकाटी तो बस इतना ही जानता था। वाह साकिर, मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देती हूँ। जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में मैं पास हो गया। मैंने एग्जाम पास कर लिया। ये बिल्कुल बाय चांस था, बट मैं अब किसी भी चीज को बाय चांस नहीं छोड़ूंगा। ओले! Thank you.